हमने तो इसको मोगैम्बो समझा था, ये तो रैम्बो निकला। कौन निकला रैम्बो? विद्युत जामवाल। भाई कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो अपनी इस तरह की इमेज बना लेते हैं कि उनका नाम सामने आते ही आपको कोई खास शब्द जो है वो याद आ जाता है। विद्युत जामवाल का नाम आते ही दिमाग में आता है एक्शन, और एक्शन नहीं जबरदस्त एक्शन, सनकियों वाला एक्शन। और यही विद्युत जामवाल करते नजर आ रहे हैं अपनी नई फिल्म सनक के ट्रेलर में। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से विद्युत जामवाल की पत्नी को एक दिल की बीमारी होती है, उन्हें वो अस्पताल में एडमिट करवाते हैं, लेकिन अस्पताल में मरीजों को कुछ लोग बंधक बना लेते हैं, और फिर विद्युत जामवाल क्योंकि भाई फिल्म के हीरो हैं, अब क्या करेंगे? इसमें भी गेस करेंगे क्या भाई? बचाएंगे, वो तो बचा ही रहे हैं, लेकिन किस तरह से बचाएंगे? विद्युत जामवाल जब एक्शन करते हैं ना तो हर कोई दिल थाम कर देखता है, और यहां भी ट्रेलर में वो जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं। हॉस्पिटल का गार्ड यही डायलॉग बोलता है कि भाई मैंने तो मोगैम्बो समझा था, तुम तो रैम्बो निकले। मतलब उसको लग रहा था कि ये तो विलेन है। कहीं ये भी हॉस्पिटल में मौजूद गुंडों के साथ तो नहीं मिले हुए हैं? लेकिन फिर पता चला कि भाई ये तो सबको बचाने के लिए आए हैं। तो इस ट्रेलर में विद्युत जामवाल ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि भाई एक्शन करने में उनका कोई जवाब नहीं है, उनका कोई सानी नहीं है। हॉलिडे फोर्स और कमांडो जैसी फिल्में बना चुके फिल्म मेकर्स की ही फैक्ट्री से निकली है सनक, और ये तीनों फिल्में जो हैं वो काफी कामयाब रही हैं। इन तीनों फिल्मों का एक्शन जो है वो खूब चर्चा में रहा है, और विद्युत जामवाल ने कहीं ना कहीं आज अपनी एक जो इमेज बनाई है वो ऐसी इमेज बना ली है कि भाई विद्युत जामवाल भले ही आपको शाहरुख खान सलमान खान टाइप ना लगे, भले ही रणबीर कपूर रणवीर सिंह ना लगे, लेकिन वो विद्युत जामवाल हैं। एक अलग फैन बेस है जो विद्युत जामवाल के एक्शन का दीवाना है, और उसी फैन बेस के लिए ये फिल्म बनाई गई है। फिल्म में रुक्मिणी मैत्रा नजर आएंगी जो कि बंगाली फिल्मों की हीरोइन है, और ये उनकी पहली हिंदी फिल्म है। अब भाई एक्शन सारा विद्युत कर रहे हैं तो रुक्मिणी फिल्म में क्या करेंगी ये फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म में नेहा धूपिया भी नजर आती हैं पुलिस ऑफिसर के किरदार में, और कहीं ना कहीं नेहा धूपिया को आपको एक तेज तर्रार पुलिस अफसर के किरदार में देखकर मर्दानी की याद आ जाती है, रानी मुखर्जी वाली मर्दानी की, लेकिन नेहा अपने किरदार में जमी है। मेन विलन के किरदार में चंदन सान्याल हैं, और उन्हें देखकर आपको वाकई में गुस्सा आता है। अब भाई विलन का तो काम ही ये होता है, अगर विलन को देखकर गुस्सा आ जाए तो मतलब विलन ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, और अगर विलन दमदार होगा तभी तो हीरो को हीरोगिरी करने का मजा आएगा। अरे मरियल से विलन के साथ क्या एक्शन करेंगे विद्युत जामवाल? तो कुल मिलाकर चंदन सान्याल भी इस ट्रेलर में काफी इंप्रेस करते हैं। ये फिल्म 15 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हो रही है, और अगर आप एक्शन फिल्मों के फैंस हैं और विद्युत जामवाल के एक्शन के फैन हैं तो ये फिल्म आप जरूर देख सकते हैं, क्योंकि ट्रेलर प्रॉमिसिंग लग रहा है। बाकी भाई फिल्म जब आएगी तो उसका रिव्यू करके बताएंगे कि ये सनकी जो है इसमें असल में कितनी सनक है। ABP News, आपको रखे आगे।